हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉक ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसके कुछ ऑलरेडी जो है वो कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात करी थी उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इनके बीच में हमने डिफरेंस के बारे में बात करी थी कि जो अलैंगिक प्रजनन है और लैंगिक प्रजनन है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस प्रकार से जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर बिल्कुल कॉपी जो है वो बन जाती है अपने पेरेंट की, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि दो डीएनए की मिक्सिंग होती है। यानी कि हमने जो डेफिनेशंस की जो बात करी थी हमने, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो एग और स्पर्म है, जो अंडाणु और शुक्राणु हैं, दोनों मिक्स होकर के दोनों की डीएनए की मिक्सिंग होती है और उससे एक नई कोशिका का जन्म होता है और उससे एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो हमने जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बहुत से मेजर हमने डिफरेंसेस देखे थे उसके अंदर, अच्छे से हमने डिस्कस किया था। मतलब देखिए, हमें एक एकदम परफेक्ट आइडिया लग चुका है अब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिपेरेंटल एक जनक की आवश्यकता होगी, एक ही पेरेंट चाहिए होगा, इसमें दो पेरेंट चाहिए होंगे। गैमेट फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली नहीं होता है, कुछ एक के अंदर हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल होगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन एक मेजर डिफरेंस था। तो मतलब हमने खूब सारे डिफरेंसेस के बारे में बात करी थी। आज का टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर जिस तरह से कि एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना, एक ही जनक जो है वो भाग लेगा और किस प्रकार से वो एक ही जीव अकेला किसी नए जीव को बना देगा उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो देखिए, इसके कुछ टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स देखें, तो सबसे पहले है फिजन, विखंडन, बडिंग। सेकंड टाइप होता है इसका बडिंग यानी मुकुलन, मुकुलन। थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन खंडन। फिर स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु निर्माण। एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। काइक प्रजनन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इतने टाइप्स जो है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन के। मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग प्रकार की विधियाँ पाई जाएंगी। जिस तरीके से यहाँ पर आप बात देखिएगा कि हम सभी के अंदर बात करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम यहाँ पर्टिकुलर किसी प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर एनिमल्स में टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देख रहे हैं। तो देखिए, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो कायिक प्रजनन होता है, ये मोस्टली आपको जो है वो पादपों में देखने को मिलेगा, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो वैसे तो अपन जो वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस अपन इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे। वैसे तो यहाँ पर जो है वो इसको किस में इंक्लूड किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इनमें भी वही भाग बात है कि इनके अंदर जो प्लांट की जो सेल्स होती हैं, जो प्लांट की जो सोमेटिक सेल्स है, आपको बताया था मैंने सोमेटिक सेल्स को प्लांट्स में कहा जाता है वेजिटेटिव सेल्स, हिंदी में तो वही कायिक कोशिकाएँ कहा जाता है। सो जो कायिक कोशिकाएँ हैं पादप की, जैसे जड़ की, तना की और पत्तियों की, ठीक है ना, रूट स्टेम और लीव्स की जो कुछ सेल्स हैं वो आगे मॉडिफाइड हो जाती हैं और वो नए एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। तो बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा, बाय स्टेम, तनों के द्वारा, और बाय लीफ, है ना, पत्तियों के द्वारा, किस प्रकार से एक नया पादप बन जाता है उसी को अपन कहते हैं कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है,
सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी क्या होगा कि एक सिंगल पार्ट ही, एक सिंगल पादप का भाग ही जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो भाई एक ही पेरेंट हुआ, एक जनक है तो हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ले सकते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, सारे टाइप सारे एग्जांपल देखेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में आएंगे कायिक प्रजनन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं सबसे पहले फिजन, विखंडन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात है कि ये हमेशा लोअर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जनरली इट इज़ फाउंड इन दी लोअर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, सामान्यतः यह निम्न जीवों के अंदर पाया जाता है, निम्न स्तर के जीवों में। अब देखिए सामान्यतः की बात कर रहे हैं जनरली, यानी कि कुछ हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें अपन प्लांट्स में, यहाँ पर आपके सामने ही क्लियर है कि हम प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, कायिक प्रजनन पढ़ेंगे, तो प्लांट्स में भी तो हायर डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। अब जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म के पादप, ठीक है ना, कुछ ऐसे पादप हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जिन जो कि एंजियोस्पर्म में आते हैं, आवर्तबीजी पादप। इनमें क्या होगा कि जो ये हायर डेवलप्ड प्लांट है, उच्च विकसित पादप है, फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कायिक प्रजनन भी करते हैं, ठीक है ना। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स तो हाईली डेवलप हैं, तो उनमें तो नहीं पाया जाना चाहिए था ये सेक्सुअल का कोई भी टाइप, लेकिन फिर भी उनमें पाया जाता है। सो जनरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः जो है ना, ये क्या पाया जाएगा, निम्न स्तर के जीवों में। कुछ उच्च स्तर के जीव जो हैं, हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनके अंदर भी जो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक जीव केवल केवल सेक्सुअल करे या एसेक्सुअली प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो किसी भी तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। जबकि मनुष्यों की बात करें अपन, तो मनुष्य केवल और केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, केवल लैंगिक प्रजनन कर सकता है मनुष्य। तो देखिए यहां पर हम बात करें सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप, फिजन यानी विखंडन। देखिए विखंडन के अंदर क्या होगा कि ये जनरली आपको देखने को मिलेगा अमीबा के अंदर, ठीक है। जितने भी एक कोशी के जीव होते हैं, ठीक है ना, जितने भी एक कोशी के जीव होते हैं उनमें जनरली आपको फिजन देखने को मिलता है। जैसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, हम ऑलरेडी जो सेल वाला चैप्टर है उसमें बैक्टीरिया की सेल को पढ़कर आए हैं, है ना, प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है, देख लीजिएगा आप लोग चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें प्रोकैरियोट सेल यानी बैक्टीरिया के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो जो जीवाणु कोशिका है बैक्टीरिया, उसमें वो एक यूनिसेल्युलर है, एक कोशी के जीव है। एक कोशी के जीव के अंदर आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, हमेशा फिजन देखने को मिलता है, विखंडन। अब देखिए विखंडन के अंदर क्या होगा कि कोई भी एक पेरेंट है, सपोज कीजिए अमीबा, अमीबा के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है। अमीबा जो है एक कोशी के जीव है, तो भाई उसकी ये एक कोशिका हो गई, ठीक है, ये उसके केंद्रक हो गया और ये उसका कोशिका द्रव्य हो गया। अमीबा कह दो, पैरामीशियम कह दीजिए, युगलीना कह दीजिए, सभी के अंदर आपको फिजन देखने को मिलता है। ये सभी एक कोशिक जीव होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर यानी जीवाणु कोशिका में भी फिजन विखंडन पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखें इनमें क्या होगा कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो एक ही कोशिका के अंदर रहती है, ठीक है ना, पूरी लाइफ जो है वो एक ही कोशिका के अंदर ही बिता देते हैं। तो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल कोशिका है, अब इसको अपनी संख्या को बढ़ाना है, ठीक है, संख्या को बढ़ाना है। तो पहली बात तो ये देखिए कि ये अपनी संख्या को इसलिए बढ़ाता है, कोई भी जीव रिप्रोड्यूस इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि कभी ना कभी उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी, ठीक है, कभी ना कभी जो है वो तो लाइफ मरेगी। कोई भी इमॉर्टल तो होता नहीं है, कोई भी जो है वो अमर नहीं होता। हर किसी को पता है कि भाई आज नहीं तो कल हमारी डेथ हो जानी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ तो निश्चित है, ठीक है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित, तो अमीबा है। अब अमीबा भी क्या करता है कि जब इसे पता चल जाएगा, देखिए एक तो होता है कि नॉर्मल अपना संख्या बढ़ाते रहना, ठीक है ना, हर जीव अपनी जाति की संख्या को बढ़ाता रहता है, स्पीशीज को। तो अमीबा जो है वो क्या करेगा कि जैसे इसको पता चलता है कि भाई इसकी लाइफ टाइम खत्म होने वाला है या इसको कोई खतरा आने वाला है ना, कोई खतरा महसूस हुआ इसको, तो ये तुरंत क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। जनरली भी ये करता ही है, वैसे भी करता ही है, ठीक है ना। जब इसको किसी खतरे का एहसास होता है तब उस वक्त पर ये जो अपनी रिप्रोडक्शन की जो रेट है, प्रजनन की दर जो है वो उसको बढ़ा देता है, ठीक है, सब बात करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर अमीबा क्या करेगा, इसकी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपको सबसे पहले देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है,
हम सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे अमीबा में, एक बार केवल नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे कि इसके अंदर आप जो आउटर मोस्ट बाउंड्री देख रहे हैं इसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया, कूटपाद, ठीक है। स्यूडो का मतलब होता है झूठे यानी फॉल्स, पोडिया का मतलब लेग्स, ठीक है। तो हमारे जैसे आज हम कहें ट्रू लेग्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर लेग्स जो हैं, जो पैर हैं, इनके अंदर सत्य नहीं होते, ठीक है ना, फॉल्स होते हैं इनके अंदर। तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद इसमें देखने को मिलेंगे। ये कूटपाद जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये काफ़ी सारे हेल्प मदद करते हैं, इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं कि अमीबा जो है वो गति कर सके। इसके अलावा किसी भोजन को अगर ट्रैप करना है, किसी फूड पार्टिकल को ट्रैप करना है, तो उसके चारों तरफ घेर कर ये स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। अमीबा जनरली आपको समुद्र में देखने को मिलेगा, सब अपन क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। इसकी एक सेल में स्यूडोपोडिया है, अंदर की तरफ आप देखिए तो आपको एक केंद्रक नजर आ रहा है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। यूनिसेलुलर एनिमल है, जाहिर सी बात है एक कोशिकीय जंतु होता है ये, ठीक है, प्रोटोजोअन के अंदर रखा जाता है इसे। तो अमीबा के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिला, साथ ही साथ हमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य देखने को मिला, ठीक है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर आपको काफ़ी सारे कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनिल्स देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, फूड ग्रैन्यूल्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलते हैं। सो कोशिका द्रव्य, स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ये चीज़ हमें देखने को मिली। यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसकी कोशिका द्रव्य में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन हमारा यहाँ पर हर किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अब ये क्या होगा कि इनके अंदर सबसे पहले, ठीक है, जो अमीबा होगा वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, मतलब उसकी एक कोशिका है, उसी कोशिका को ये डिवाइड कर लेगा। अब इस कोशिका को जब ये डिवाइड करता है तो सबसे पहला स्टेप आता है केंद्रक विभाजन, ठीक है ना। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या आएगा, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। देखिए किसी भी कोई भी कोशिका अगर विभाजित होती है, सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें दो स्टेप आते हैं। पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसका केंद्रक डिवाइड होगा। केंद्रक डिवाइड हो जाएगा तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र भी जो है वो आधे आधे बढ़ जाते हैं या पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं, वो डिपेंड करता है गुणसूत्रों में कि वह समसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। कुल मिला के सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो उसमें दो ही स्टेप होते हैं, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कोशिका द्रव्य। ये जो आप द्रव्य देख रहे हो जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं, उस कोशिका द्रव्य का विभाजन। यानी हर सेल के बनने के लिए एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, एक झिल्ली का होना जरूरी है बाहर की तरफ, दूसरा उसके अंदर कोशिका द्रव्य का होना जरूरी है और उसमें केंद्रक का होना जरूरी है, ठीक है ना, न्यूक्लियस का होना जरूरी है। तो मेनली जो है वो न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक विभाजित होता है तो हमें धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आपको बाहर की तरफ से, ध्यान रखना, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि बाहर की तरफ से एक एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप होता है अमीबा के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ से क्या होगा कि एक एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य जो है दबाव पड़ने लगता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक दबाव पड़ने लग गया जिसके कारण अंदर की तरफ वो प्रेशर चला गया। अंदर की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियस तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब एक समय ऐसा आता है कि जब न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने एक बार इंटरमीडिएट स्टेज बनाई है, इस चीज़ को आप देखेंगे अच्छे से कि केंद्रक जो है वो विभाजित हो रहा है, अभी तक पूरा विभाजित नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके कंडीशन ऐसी आती है कि यही जो ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, इसको अपन कहते हैं फुरो, खांच, ठीक है, ये खांच होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बाहरी जो दबाव है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि केंद्रक पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब ये फुरो जो है वो और गहरी होने लग जाती है, ठीक है, ये जो खांच है वो क्या हो जाएगी, और गहरी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो केंद्रक है अब वो दो भाग में डिवाइड
हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने इस तरह से दिखा दिया कि ये केंद्रक जो है वो विभाजित हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस डिवाइड है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में क्या होगा कि अब जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह खूब सारे सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलते हैं, तो वो सेल ऑर्गेनेली भी तो एक पूरी सेल को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो एक से दो अमीबा बनेंगे, तो नए अमीबा के अंदर भी केंद्रक होना जरूरी है, कोशिका द्रव्य होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होंगी, इसमें पाई जाएंगी। तो अब सेकेंड स्टेप जो आएगा वो कि देखो केंद्रक विभाजन हो जाने के तुरंत बाद जो है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर आपको फिजन में क्या देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस जैसे ही हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, सेम वही है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो जो अमीबा पहले से था, ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, इस तरह से दो अमीबा बन जाएंगे। ये लो भाई, ये एक अमीबा हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ये एक अमीबा हो गया, ये उसका केंद्रक है, ठीक है, ये एक दूसरा अमीबा हो गया, ठीक है। तो एक जो था अमीबा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब एक बात को समझिएगा कि इसमें से एक होता है पेरेंट अमीबा और एक होता है डॉटर अमीबा। जैसे मैंने कह दिया कि ये एक जनक अमीबा है, पेरेंट अमीबा है, लेकिन एक बात को समझिए, यहाँ पर नाम तो दे दिया जाता है कि भाई ये पेरेंट अमीबा हो गया, जनक अमीबा, ठीक है ना, ये एक पेरेंट अमीबा हो गया, जनक अमीबा, और ये हो गया डॉटर अमीबा, है ना, पुत्री अमीबा, डॉटर अमीबा हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात को समझिएगा, यहाँ पर पेरेंट अमीबा का मतलब ये नहीं है कि जो अमीबा पहले था ये एज इट इज़ वही पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि अमीबा को जैसे ही पता चलता है कि भाई मेरे को खतरा आ रहा है, ठीक है ना, या फिर नॉर्मली भी इसको रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी ही सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इस एक तरीके से ये दोनों ही नई सेल्स हैं, मतलब पेरेंट का कुछ भी नहीं बचा, जो पहले से जो अमीबा था ना, इसका कुछ भी नहीं बचा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों नए अमीबा है, कोई भी पेरेंट नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, है ना, कहने को ये टू डॉटर्स अमीबा ही बनते हैं, है ना। कुछ बुक्स हैं जो लिख देती है कि भाई ये पेरेंट अमीबा है, लेकिन वास्तविक अर्थ देखा जाए तो कोई पेरेंट अमीबा वगैरह यहाँ पर नहीं होता। जो अब ये दोनों अमीबा क्या करेंगे, नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करेंगे, क्या करेंगे, नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करेंगे। यहाँ पर पुराना जो पेरेंट है ना, उसका कुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना, सारा का सारा पदार्थ पुराने वाले का खत्म हो जाता है और इससे एक नए अमीबा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फिजन के अंदर अगर अपन देखें टोटल, ठीक है ना, विखंडन की बात कर रहे हैं अपन, तो फिजन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक से एक अमीबा से दो अमीबा देखने को मिले। यानी देखो ये एक था, यही डिवाइड होके, एक बात और ध्यान रखना, ये हमेशा तिरछा डिवाइड होता है, तिरछा ऑब्लिक, इसमें इररेगुलर डिवीजन होता है, ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ट्रांसवर्स डिवीजन मिलेगा या वर्टिकल डिवीजन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लंबवत या अनुप्रस्थ नहीं मिलेगा, अनियमित प्रकार से इररेगुलर टाइप ऑफ फिजन देखने को मिलेगा, अनियमित प्रकार का विखंडन जो है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो अनियमित होगा मतलब तिरछा पाया जाएगा, ठीक है ना, ऑब्लिक। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एक अमीबा से डायरेक्ट दो अमीबा बन गए, इसीलिए इसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, बाई का मतलब दो, द्विविखंडन, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, द्विविखंडन। ध्यान रखिए खंडन और विखंडन दो अलग अलग प्रक्रिया है। खंडन इंग्लिश में भी नाम याद रखा करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन को खंडन कहते हैं और फिजन को विखंडन कहते हैं, ठीक है, कभी कभी एक जैसे नाम आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश के वर्ड भी याद कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में जो मीनिंग समझ में आता है आप वो लर्न किया करो, ठीक है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन इसलिए कहा गया क्योंकि दो भाग में विभाजित हुआ है, द्विविखंडन, एक अमीबा दो भाग में विभाजित हुआ। देखो अमीबा के अंदर क्या होता है कि बाइनरी फिजन, देखिए बाइनरी फिजन में तो एक से दो बने, है ना, फिर दो दो ये हैं, ये आगे जाकर के और करेंगे तो चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे,
कहने का मतलब ये थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें जो संतति बनेगी वो बहुत कम बनेगी। अब सोच के देखिए आप, अमीबा क्या है कि जब कभी भी अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, जो फेवरेबल कंडीशन होती है, उसमें तो अमीबा हमेशा ही बाइनरी फिजन करता है। मतलब उसको पता है कि चल भाई जो है फेवरेबल कंडीशन है। अब फेवरेबल कंडीशन अनुकूल परिस्थिति का क्या मतलब होता है? तो टेम्परेचर नॉर्मल हो, ठीक है ना, भोजन की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, फूड अवेलेबिलिटी यानी भोजन की उपलब्धता इसको अच्छे से मिल रही हो, ठीक है, इसको किसी तरीके से खतरा महसूस ना आ रहा हो। तो मेनली जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, पूरी जो एक तरह से कहें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो गई वाटर, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, जिस वाटर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ना, तो ये सब अगर इसको अच्छे से मिलती है, फूड मिल रहा है अच्छे से, तब उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में तो ये क्या करेगा? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अगर अभी तो आराम आराम से इसने एक से दो बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में क्या होगा कि जब इसको प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाएगी, तो अमीबा को पता है कि अगर मैं एक से दो ही बनाऊँगा ना, तो हो सकता है कि भाई बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये दो भी जो है वो मर जाएँ, दो भी जो है वो मर जाएँ। तो अमीबा क्या करेगा अब अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये कुछ अलग प्रकार से करेगा विखंडन, ना फिजन ही करेगा, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार से विखंडन करेगा। ये कहता है देखो मैं अब एक से दो नहीं बनाऊँगा, लाखों बनाऊंगा, हजारों बनाऊंगा, ठीक है ना, खूब सारे अमीबा बना दूंगा, ताकि जिसमें से एक दो मर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े, बाकी के तो रहे। तो रिप्रोडक्शन से, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमेशा एक संख्या को पर्टिकुलर बनाए रखा जाता है, नई लाइफ को बनाया जा सकता है, तो ये हर पॉसिबल ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, कि बाइनरी फिजन जो है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन जो है वो द्विविखंडन आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। अब एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर एक चीज़ और आ जाएगी कि इसमें हुआ क्या है वास्तव में देखा जाए तो हुआ है इसमें सामान्य समसूत्री विभाजन, ठीक है, नॉर्मल माइटोसिस हुआ है, सामान्य समसूत्री विभाजन हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल माइटोसिस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो नॉर्मल माइटोसिस का क्या मतलब होता है, समसूत्री विभाजन का मीनिंग, तो ये देखिए जब ये केंद्रक विभाजन होगा ना, पहला स्टेप, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, सो कैरियोकाइनेसिस के टाइम पर जितने गुणसूत्र, जितने क्रोमोसोम्स अमीबा के अंदर थे, उतने ही सेम क्रोमोसोम्स जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होगा तो सेम टू सेम क्रोमोसोम्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स है, तो जब ये डिवाइड होंगे तो सेम अपनी कॉपी बनाएंगे, तो 2n क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इसके केंद्रक में भी 2n क्रोमोसोम गुणसूत्र और इसमें भी द्विगुणित गुणसूत्र, तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स ही आगे पास आउट होते हैं, हाफ नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो नॉर्मल माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस का सिंपल मीनिंग ही यही होता है कि अगर केंद्रक विभाजन के समय गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल्स के अंदर और पेरेंट सेल के अंदर दोनों में सिमिलर होती है, तो उसको अपन कहते हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और अगर पेरेंट के अंदर जो है वो डबल है, और अगर डॉटर अमीबा कह लें या डॉटर सेल्स के अंदर अगर हाफ हो जाते हैं, तो इसको अपन कहते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? बाइनरी फिजन होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो देखिए अमीबा जो है, हम कहे फेवरेबल मतलब फिजन के, यहाँ पर हमें अब दो टाइप देखने को मिलेंगे। पहला फिजन जो होगा वो होगा बाइनरी फिजन, जो अभी देखा हमने, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, ठीक है। एक होता है मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। देखिए द्विविखंडन में तो क्या होगा कि केवल एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल्स को बना लेंगे, ठीक है ना, दो अलग अलग सेल्स को बना देंगे। तो फिजन जो है बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा के अंदर, जैसे आपको अमीबा में केवल अनुकूल परिस्थितियां जो होती है, जो फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ मिलेगा, जिसमें ये आराम आराम से एक से दो अमीबा बनाता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चलेगा इसको कि बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन आ गई है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ गई है, तो सबसे पहले तो अमीबा क्या करेगा कि अपने चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन थी इसको डिस्चार्ज कर लेगा,
ठीक है ना। इसको डिस्चार्ज करने के बाद जो अमीबा होगा ये पहले तो गोल हो जाएगा, मतलब देखो ये जो इस तरीके से इसकी मेम्ब्रेन बनी है ना, तो अब क्या होगा कि अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से इस तरीके से एक प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आने लगेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ आएंगी इस दाब के कारण, तो ये अमीबा जो है वो आपको स्फेरिकल देखने को मिलने लग जाएगा, एकदम गोलाकार हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा गोलाकार। और साथ ही साथ है ना बाहर की तरफ देखिए, बाहर की तरफ अब इसके पास एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन होती है तो ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा कि अब ये जो अमीबा है ना, नए अमीबा, उसको अंदर ही बनाएगा, ठीक है ना, उसको अंदर की तरफ ही बनाएगा। इनके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्यों में नहीं होता क्या कि भाई आज 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा जाता है, यूट्रस के अंदर जो है वो बच्चे को 9 महीने तक रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो विकास है वो बाहर नहीं हो सकता, बाहर बहुत एडवर्स कंडीशन है कि उसको बाहर जो पालन पोषण कर सके, उसको किसी ना किसी फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट है मतलब अंदर की तरफ सुरक्षित रखा जा रहा है उसको, ठीक है। तो इसी प्रकार बाहर अब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो अमीबा जो है वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो अपने जो सूडोपोडिया थे उसको राउंड कर लेगा, बिल्कुल गोल बना लेगा कूटपाद को, उसके बाद ये अपने चारों तरफ जो है वो 3 लेयर की, ट्राई लेयर्ड की मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन करेगा, 3 परत बनाएगा, एक सुरक्षा परत होती है प्रोटीन की बनी हुई, ये इस तरीके से प्रोटीन की बनी, इस तरीके से प्रोटीन की एक कवरिंग बना लेगा, इस प्रोटीन को अपन कहते हैं सिस्ट, ठीक है ना, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटीन की जो 3 कवरिंग बनेगी, 3 लेयर्स बनेगी, ट्राई लेयर्ड, इसको कहा जाएगा सिस्ट, और इस प्रक्रिया को कहेंगे अपन एनसिस्टेशन, एनसिस्टेशन, पुटी भवन, ठीक है ना, क्या कहेंगे इसे, पुटी भवन। अब ये इनसिस्टेशन के अंदर क्या करा जाएगा कि यहाँ तो ये चीज़ हो गई, अब इसमें ये एक अपना केंद्रक पाया जा रहा था, जो भी है वही कोशिका द्रव्य यहाँ पर बिखरा हुआ है ना, कोशिका द्रव्य जो है वो यहाँ पर आपको बिखरा देखने को मिल रहा है। अब इनमें क्या होगा, बात को अच्छे समझिएगा, इसको अपन अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो इनके अंदर आप देखिए कि ये एक केंद्रक है और इसका कोशिका द्रव्य आराम से है, ठीक है, तो अब ये अंदर ही अंदर अमीबा को बनाने लग जाएगा, ठीक है ना, मतलब न्यू अमीबा जो है ना उसका फॉर्मेशन ये अंदर ही करेगा, मतलब अभी भी देखो अभी भी प्रोसेस तो वही रहेगा कि भाई कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन, और फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस होगा, तो वही 2 प्रोसेस हैं, पहले केंद्रक को डिवाइड करो, न्यूक्लियस को डिवाइड करो, तो कैरियोकाइनेसिस करो, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन करो, साइटोकाइनेसिस करो। तो इनमें सबसे पहले तो क्या होगा कि बहुत सारे मुक्त केंद्रकीय विभाजन हो जाएंगे, मतलब मुक्त केंद्रकीय विभाजन मतलब खूब सारे केंद्रक जो होते हैं वो बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, खूब सारे, मतलब देखो अब ये किस प्रकार से करेगा काम, इसमें ये अब नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि भाई पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ फिर साइटोकाइनेसिस करूं तो एक अमीबा बना दूं, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा ये, फिर फिर से अमीबा ने क्या करा, कैरियोकाइनेसिस किया, फिर से उसके बाद उसने साइटोकाइनेसिस किया तो एक अमीबा बन जाए, ऐसा ये करेगा नहीं, पहले ये खूब बार, बहुत बार जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, या एक तरीके से आप कह सकते हो ये बहुत बार जो है वो कैरियोकाइनेसिस करेगा, ठीक है ना, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। तो ये मुक्त केंद्रकीय विभाजन करता है और अपने जैसे खूब सारे केंद्रकों का निर्माण करेगा, ठीक है ना, सभी केंद्रक समान ही होते हैं, फिर इसमें मेन न्यूक्लियस का फिर कोई इतना खास रोल नहीं रहता, एक से एक जो है वो केंद्रक बनते चले जाते हैं, मतलब ये साइटोकाइनेसिस कर ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, अलग अलग एक बहुत बार न्यूक्लियर डिवीजन किए, क्योंकि अगर साइटोकाइनेसिस कर लेता तो क्या होता, ये पूरी एक सेल और उसके अंदर एक सेल, फिर ये पूरी एक सेल उसमें खूब सारी सेल्स पाई जाती, तो एक सेल के अंदर तो सेल पाई नहीं जा सकती ना, फिलहाल तो नहीं पाई जा सकती, इसी कारण से ये जो है इसमें क्या करेगा, केवल केंद्रक विभाजन करेगा और कहेगा देखो साइटोकाइनेसिस ना मैं सबका साथ में ही कर दूंगा, कहता कैसे करेगा, तो जैसे इसने कहा कि देखो भाई बाहर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी ना, फेवरेबल कंडीशन होते ही ये अपने सिस्ट को और ये जो सूडोपोडिया थे इसको हटा देगा,
ठीक है ना, इसको ये हटा देगा। जैसे ही बाहर टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, फूड वगैरह सब कुछ हुआ, तो ये इसको क्या करेगा कि इंसिस्ट, जो इसका इंसिस्ट वगैरह था, वो सिस्ट जो है वो फूट जाएगा, ठीक है ना, हटा लेगा ये। और उससे करते करते अब उसके बाद जैसे ये इंसिस्ट जो है, जो सिस्ट होता है वो जैसे ही हट जाता है, तब उस वक्त पर ये सभी कोशिकाओं को, सभी अमीबा को थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म दे देगा, कहेगा कि लो भाई अब मैं सबको, जब तुम बाहर निकल रहे हो मुझसे, अब केंद्रक बाहर निकलेंगे, तो ये कहता है कि अब मैं इस सभी को थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य विभाजित कर देता हूँ। तो साइटोकाइनेसिस इसने एकदम लास्ट टाइम पर किया, ठीक है ना, इसने एकदम लास्ट टाइम पर क्या किया है, साइटोकाइनेसिस किया। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो बहुत बाद में होता है, जब रिलीज हो रहे होते हैं अमीबा, ठीक है। तो इस तरीके से अब अमीबा जो है वो खूब सारे बाहर निकल जाएंगे, इनके पास केंद्रक भी है, मेम्ब्रेन भी है, और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये अमीबा जो है वो वापस अपनी वही इरेगुलर शेप, अमीबा को आप कैसे भी बना सकते हो, इरेगुलर शेप होती है इसकी, अनियमित आकृति होती है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक से खूब सारे अमीबा बने हैं ना, सब सब बाहर निकल जाएंगे, इन्हें कहा जाता है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन अमीबा में पाया जाता है, और बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन भी पाया जाता है। द्विविखंडन आपको पैरामीशियम में, युगलीना में, सभी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि देखो मल्टीपल फिजन जो है ना वो हमेशा ही एडवर्स कंडीशन में होते हैं, है ना। आप अमीबा का एग्जांपल याद रख सकते हो, दोनों में बहुविखंडन है, ये क्या है, बहुविखंडन देखने को मिल रहा है आपको। अब देखिए यहाँ तो बात करिए अपन ने बाइनरी और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस हुआ। देखिए अब क्या होगा, एक खास बात और समझिएगा इसमें, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अपने बाइनरी फिजन थी ना, उसमें थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा कि जो बाइनरी फिजन थी उसमें हमेशा एक पेरेंट अमीबा होता है और एक डॉटर अमीबा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मल्टीपल फिजन में वो कंडीशन आती है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ गया था। तो बाइनरी फिजन में जो एक अमीबा जो मैंने बनाया पेरेंट अमीबा है वो होगा, और आपको एक जो मिलेगा वो डॉटर अमीबा मिलेगा। मतलब उस वक्त पर पेरेंट जो है ना, फिजन के बाद में भी, विखंडन के बाद में भी जो पेरेंट है, जो जनक है, वो जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल फिजन में ये कहानी है कि मल्टीपल फिजन में देखो अब ये सारे अमीबा बाहर निकल गए, तो इसके पहले वाले अमीबा की तो बॉडी बची ही नहीं। तो मल्टीपल फिजन के अंदर जो पेरेंट होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा डिजनरेट हो जाता है, बाहर के सारे अमीबा तो बाहर निकल गए केंद्रक इस कारण से, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए अब आते हैं अपन, बाइनरी फिजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। बाइनरी फिजन के अंदर आपको तीन टाइप मिलेंगे जनरली, एक होता है इररेगुलर बाइनरी फिजन, अनियमित द्विविखंडन, अनियमित द्विविखंडन, एक होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। देखें इसको कैसे समझोगे आप, अनियमित का मतलब होता है कि कोई कोशिका ऐसे भी डिवाइड हो सकती है, ऐसे भी डिवाइड हो सकती है, किसी भी तरीके से। जैसे आज अमीबा है, अमीबा तिरछे रूप से डिवाइड होती है, तो तिरछा कोई भी ऑब्लिक, कोई भी सरफेस हो, किसी भी एक सरफेस से जो है वो ऑब्लिक सरफेस से वो डिवाइड हो जाएगी, कभी भी आप वर्टिकल नहीं मिलेगा आपको लॉन्गिट्यूडनल, और कभी भी अनुप्रस्थ नहीं देखने को मिलेगा। तो अमीबा में जनरली जो द्विविखंडन होता है ये द्विविखंडन के टाइप है, मल्टीपल फिजन का कोई टाइप नहीं है, ठीक है। तो द्विविखंडन जो होता है उसके अंदर अनियमित प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि अमीबा, है ना, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब है कि कोई एक कोशिका जो है वो केवल आपको क्षैतिज अक्ष से देखने को मिलेगी, कटे जो है, जो उसमें जो एक तरह से डिवीजन होगा, है ना, प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स पाया जाएगा, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो पैरामीशियम के अंदर आपको ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलता है। तो देखिए इररेगुलर अमीबा में हो गया, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ जो द्विविखंडन है वो आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, एंड लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो आपको युगलीना के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। युगलीना के अंदर फ्लैजिला डिवाइड होते हैं, तो ये भी चीज़ अपन अगले लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि युगलीना में किस प्रकार से जो है वो द्विविखंडन होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ आज हमने जो है देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसमें फिजन को हमने बाइनरी और मल्टीपल फिजन को हमने अच्छे से पढ़ा है। इसके अलावा और भी चीज़ देख लेते हैं, दो चार चीज़ें हैं, ठीक है। देखो बडिंग का क्या मीनिंग है, इसको डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। मुकुलन का मतलब होता है अपने ही शरीर के ऊपर कोई एक बड का फॉर्मेशन कर लेना, उभार बन जाना, ठीक है ना। जैसे हाइड्रा में देखने को मिलता है कि भाई देखो अब शरीर डिवाइड नहीं होगा, अपने शरीर से ही क्या होगा कि कोई एक बड बन जाएगी। जैसे अपन नहीं कहते कि सपोज़ कीजिए कि किसी के आप कहते हैं पिंपल हो जाता है जो अपनी बॉडी पे, ठीक है। सपोज़ कीजिए वो पिंपल जो है उसको मैंने बड कह दिया, अब वो पिंपल जो है वो बड़ा होता गया होता गया होता गया, एक पूरी नोड बनती गई, और वो जो नोड है वो बिल्कुल अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर जैसी ही है, जैसी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है वैसी ही आपको नज़र आने लग गई। और किसी दिन वो बड कट होकर के अलग हो गई, मतलब हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस पहले वो अटैच थी, अब डिटैच होकर के अलग हो गई है वो हमसे। तो बड फॉर्मेशन का मतलब होता है, सॉरी जो बडिंग है उसका मीनिंग है मुकुलन का, कि यहाँ पर बॉडी के ऊपर एक बड निकलेगी और वो बड बॉडी से अलग हो जाएगी, मेन बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं होगा, और वहाँ से एक नया जीव, उस बड से जो है वो एक नया जीव बन जाएगा, जैसे हाइड्रा में देखने को मिलता है ना, तो उसको बडिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, जैसे प्लेनेरिया। सपोज कीजिए आज कि मैं इस मार्कर के 10 टुकड़े कर दूँ और इस 10 टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा नया मार्कर बना दे, ठीक है ना। पहले तो टुकड़े हो गए, कोई डिवीजन वगैरह कुछ नहीं, सीधा टुकड़े हो गए, ठीक है, और उससे वो हर एक पीस जो था, है ना, हर एक पीस जो है वो एक नया मार्कर बना दे, तो इसका मतलब ये भी क्या कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खंडन का मतलब होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना, प्लेनेरिया में आपको देखने को मिलेगा, ये डिटेल में बात करेंगे। फिर आते हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जो है यहाँ पर ज़्यादातर ये आपको फंजाई में देखने को मिलेगा, कवक के अंदर। कवक क्या करती है कि अपने अंदर जो है वो काफ़ी सारे कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है ना, कुछ खूब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है अपने अंदर, और वो हर एक कोशिका जो है वो बीजाणु की तरह व्यवहार करती है, स्पोर की तरह व्यवहार करती है। छोटी छोटी कोशिकाएं बनेगी, एक पाउच बनेगा, उसमें कोशिकाएं बनेगी, सेल्स बनेगी, उस सेल्स को ही अपन स्पोर कहेंगे, और वक्त आने पर वो स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर डिस्पर्ज हो जाते हैं, तो उसी को अपन कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु का निर्माण। तो हर बीजाणु से जैसे यहाँ पर अभी देखने को मिला ना आपको, बहुत सारे केंद्रक बने, तो उनके अंदर तो सेल्स बनेगी बकायदा, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ तो केवल केंद्रक थे, न्यूक्लियस थे, क्या है ये, न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनमें क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन में जो कवक होगी, जो फंजाई है, वो अपने अंदर खूब सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिसको स्पोर यानी कि बीजाणु कहा जाएगा, और उस हर एक बीजाणु जो है वो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट के अंदर फ्री हो जाएगा और वो एक नई फंजाई का फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्पोर फॉर्मेशन अपन फंजाई में पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन प्लेन एरिया में देखेंगे, बडिंग हाइड्रा वगैरह के अंदर, यीस्ट वगैरह में, सभी में देखेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि पादपों के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, और जो प्लांट्स की जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, नाम से क्लियर है, कायिक कोशिकाएं जो होती है, जैसे रूट, स्टेम और लीफ, उनसे किसी नए पादप का निर्माण होता है, तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने डिटेल में देखा फिजन क्या होता है, और भी मैं आपको बताऊंगी कि पैरामीशियम एंड यूग्लिना के अंदर किस तरह से होता है। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है वो इजी सा ही है, कुछ नहीं है, बस प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर है ना डिवाइड किया गया। तो अपन आज यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, लाइक्स भेजते रहिए अपने। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।